लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तुम मर्दीना को कहीं जल्दी से छुपा दो। छुपा देता हूँ। घबराओ नहीं, ये मेरा जादुई संदूक है, हमेशा खड़े वक्त में काम आता है। चलो चलो जल्दी छुप जाओ। अरे पर इसमें उसका दम घुट जाएगा। अरे दम नहीं घुटेगा, इसमें हवा और रोशनी दोनों का इंतजाम है। Thank you.
अरे हमें नहीं, हमारे भाई जान को दुआएं दो जिनकी शादी की खुशी में एक खैरात बांटी जा रही है। मेरे सखी, खुदा करे तू भी अमीर कासिम की तरह चांद सी दुल्हन ब्याह कर लाए। आमीन। अल्लाह करे मेरे छोटे मालिक की चार चार शादियां हो और घर में बहुओं का मेला लग जाए। मेला? अरे गुलबदन, यहाँ एक का ठिकाना नहीं और तुम चार चार के ख्वाब देख रही हो। जा रजिया, आपस और अशरफियां ले। ना बाबा, आप ही जाइए, मुझे तो वो डांटने लगेंगी। नहीं जाता। जैसे अमीर कासिम एक एक पैसा दांतों से पकड़ता है, वैसे ये लड़का दोनों हाथों से लुटाता है। आबा जान, अभी तक खैरात से जी नहीं भरा, लाइए थोड़े से दिनार और दीजिए। खैरात बाद में कर लेना, जलवे की रस्म शुरू हो रही है। हाँ, पहले अपनी भाभी का मुंह तो देख लीजिए। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया। चलो चलिए। अभी नहीं, पहले दूल्हा देखेगा। दुल्हन, जरा चेहरे से पर्दा हटाकर लगन में देखो तो। आहा, ऐसा मालूम होता है जैसे चांदी की झील में सोने का कमल खिल गया हो। माशाल्लाह, माशाल्लाह। दूल्हे मियां, अब तुम देखो। शर्माइए नहीं भाईजान, यूं देखिए। तू नदीदों की तरह क्यों लगन पर झुका पड़ रहा है? पहले दूल्हा को अपने दुल्हन तो देख लेने दे। देखो ना भैया, देख लिया भैया? दुल्हन, तुमने भी देख लिया? अब मैं अपनी भाभी को जी भर के देखूंगा। आपने ठीक कहा आपा जान, जन्नत की हूर है मेरी भाभी। भाई जान मुबारक हो। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। जान, क्या कर रहे हो? जी कुछ नहीं, आपके दुपट्टे से खंजर निकाल रहा हूँ। दुपट्टा बेजान है, खंजर चुभने से उसे कोई तकलीफ ना होगी। तकलीफ तो उसे हो रही है जिसके दिल में तुम्हारी मोहब्बत का तीर चुभ गया है। पहले उस तीर को निकालो वाली। भाभी, भाभी नहीं, मुझे अपनी कनीज कहो। तुमने एक ही निगाह में मुझे अपनी जरखरीद बांदी बना लिया है। भाभी जान, मेरी तरफ से मुंह न मोड़ो वाली। मेरी आंखों के छलकते हुए पैमानों को देखो,
जो तुम्हारे होंठों से लगकर तुम्हें सरशार कर देना चाहते हैं। अली, मेरी इन मैखाना बदोश जुल्फों की खटाओं को देखो, जो अपनी सारी सरमस्तियों के साथ तुम पर बरस पड़ना चाहती है। नहीं 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 नहीं, आप मेरी माँ हैं और कोई बेटा अपनी माँ कहकर मेरे जज्बात की तोहीन ना करो अली। मैं उम्र में तुमसे छोटी हूँ मगर रिश्ते में तो बड़ी है। जिद में आकर कोई ऐसी नादानी ना करो अली जिससे जिंदगी भर तुम्हें पछताना पड़े। आओ और मेरे गले लग जाओ। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। ये क्या कर रहे हो अली? अपने भाई का तो ख्याल करो। छोड़ो, छोड़ दो, छोड़ दो। मेरे सरताज, मेरे मालिक। क्या हुआ बेगम? ये इस बेगैरत से पूछो जिसने मुझे बाग में तन्हा पाकर अपने खंजर से मेरा दुपट्टा अलग किया और फिर मेरी इज्जत पर हाथ डाला। आस्तीन के सांप, मैंने तुझे अपना खून पिला पिला कर पाला और जवान होकर तूने मुझे ही डस लिया। भाईजान, भाभी झूठ बोल रही हैं। क्या कहा? मैं झूठ बोल रही हूँ? अजय, तुम सब कुछ अपनी आंखों से देख रहे हो और चुपचाप खड़े हो। दुल्हन, ऐसी आग ना लगाओ जो भड़क कर इस खानदान का नामो निशान मिटा दे। नफरत का ऐसा जहर ना फैलाओ जो भाई को भाई के खून का प्यासा बना दे। ये भाई नहीं, मेरा दुश्मन है। इसने मेरी आंखों के सामने मेरी बीवी की इज्जत पर हाथ डाला है। कभी कभी आंखें धोखा भी खा जाती हैं कासिम। मुझे अपने अली पर पूरा भरोसा है, जो दूसरों की इज्जत के लिए अपनी जान की बाजी लगा देता है वो अपने ही घर की इज्जत से कैसे खेल सकता है। आप बेजा तरफदारी न कीजिए। अली, चले जाओ मेरी आंखों के सामने से, वरना मेरे गुस्से की आग तुम्हें जलाकर खाक कर देगी। खूब हक अदा कर रहे हो भाई की मोहब्बत का, खूब लिहाज कर रहे हो बाप की वसीयत का। दो ही दिन में बीवी ने ऐसा जादू कर दिया कि माँ का दूध, बाप का खून सब पराया हो गया। वाह वाह, अच्छा इंसाफ है तुम्हारा। अपने आवारा भाई को सजा देने की बजाय मुझे ताना दे रही हो। मेरी तो किस्मत ही फूट गई जो मैं इस घर में ब्याह कर लाई गई, वरना किसी की मजाल थी जो मेरी इज्जत पर इस तरह पट्टा लगाता। नहीं नहीं, तुम्हारी इज्जत तो गुलाब के फूल की तरह पाक और बेदाग है बेगम। रजिया बहन ने तुम्हें समझने में भूल की है। मैं तो इसे उसी दिन समझ गई थी जब मुंह दिखाई में तुम्हारा चेहरा देखकर इसका मुंह झुलस गया था। हाय हाय, ये डैन भी अब मुझ पर इल्जाम लगाने लगी। जबान को लगाम दो भाभी, मैं अपनी तौहीन बर्दाश्त कर सकता हूँ लेकिन आप अजान की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता। सुनते हो जी, अब इस घर में या तो यही लोग रहेंगे या मैं ही रहूंगी। अगर इनको रखना चाहते हो तो मुझे अभी मेरे बाप के घर भेज दो। बेगम, बेगम, तुम कहाँ जाती हो दुल्हन? हम ही चले जाते हैं, अब इस घर में हमारे लिए कोई जगह नहीं रही। मालकन, जिस घर में आपके लिए जगह नहीं मैं वहां कैसे रह सकती हूँ? बचपन में आपका दामन थामा था, अब तो मरने के बाद ही छूटेगा। अच्छा तो जा, हमारा सामान ले आ। ठहरो गुलबदन, मैं भी चलती हूँ। खबरदार, जो यहाँ की किसी चीज को हाथ लगाया, यहाँ जो कुछ है मेरा है, मेरा। क्यों जी? हाँ ठीक है, सिपे साला, इनके तमाम जरो जवाहरात और कीमती पोशाक उतार लो। औकात मत भूलो। नहीं अली, तलवार फेंक दो, अब इस घर का एक पैसा भी हम पर हराम है। चलो अली।
मजा आ गया। कहवे में शराब का नशा आ गया। वाह वाह, सुभान अल्लाह। सुनो भाइयों सुनो, अभी आपने कोयल का सुरीला गाना सुना, अब आप इस पहाड़ी कौवे की जरा कहकर सुन लीजिए। आपकी तारीफ का बहुत बहुत शुक्रिया, मगर खाली तारीफ से काम नहीं चलेगा। हमने आपको काम से खुश किया है, आप हमें दम से खुश कीजिए। हेलो, बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा तुम्हारी उम्र दराज करे, खुदा तुम्हें 20 बच्चों का बाप बनाए, खुदा तुम्हारी 4 शादियां करे। भाइयों बहुत बहुत शुक्रिया। अरे वाह वाह, मजा आ गया। हेलो, जीते रहो। कुछ मेहरबानी कीजिए, कुछ कदरदानी कीजिए। कदरदानी भिखारियों में नहीं, अमीरों की महफिल में होती है। माल और जर की तमन्ना हो तो हमारे अमीर कासिम के महल में चलो, वहां तुम दोनों ऐश करोगे। आप भूल रहे हैं, हम ऐश करने के लिए नहीं, अपना पेट भरने के लिए नाचते गाते हैं। अपने अमीर का माल आपको मुबारक हो, हम अपनी खाल में मस्त हैं। मगरूर हसीना, तू नहीं जानती किसकी दावत को ठुकरा रही है। हमारा एक अदना इशारा तुझे जमीन पर नाक रगड़ने पर मजबूर कर सकता है। नाक रगड़े मेरी जूती, मैं किसी अफलातून से नहीं डरती। बिल्कुल ठीक है, ये मुझसे भी नहीं डरती, हालांकि मेरा नाम ही अल्फातून, मेरा मतलब अफलातून है। सिपाहियों, इस अफलातून के बच्चे और इस फुंकार तिहिन नागन को गिरफ्तार करके अमीर कासिम के महल में ले चलो। जी चाहता है। हाँ, सिर्फ हाथ ही इसलिए कि तुमने ये कपड़ा इतनी सफाई से सिया है कि मेरी मालकिन को जरा भी शक नहीं होगा कि ये कपड़ा मुझसे फट गया था। अजी, ये तो कपड़ा है, अगर आप गलती से किसी की गर्दन भी काट दें तो उसे भी ऐसी सफाई से सी सकता हूँ कि बड़े बड़े हकीमों को पता ना चले। हाँ अच्छा, ये तो बताओ मेहनताना कितना दो? मेहनताना? अजी आप क्यों शर्मिंदा करती हैं, आपकी पसंद ही मेरी मेहनतों का सिला है। बाबा मुस्तफा, तुम कितने अच्छे हो। अच्छा अब इजाजत दो। फिर कब आइएगा? जब कपड़ा फटेगा। अजी कपड़ा तो रोज ही फट सकता है, आप फाड़ा कीजिए मैं सिया करूँगा, फाड़ा कीजिए मैं सिया करूँगा। बाबा मुस्तफा। हाँ? Thank you.
बेअदब लड़की, तूने हमारे आका की शान में गुस्ताखी की, अब उसका अंजाम भी देख ले। मर्द हो क्या औरत पे हाथ उठाते हो, शर्म नहीं आती? बेशर्म मर्दी ना। अरे यारो, तुम सब खड़े हुए तमाशा देख रहे हो, क्या इस शहर में ऐसा कोई बहादुर नहीं जो इस जालिम का हाथ पकड़ सके? जाफर का हाथ पकड़ने वाला आज तक कोई पैदा नहीं हुआ। कौन है बदतमीज? इतनी जल्दी भूल गए? कौन? अली बाबा। और दो इन मजबूरों, हमारे हाकिम अमीर कासिम, उनके सिवा हम पर कोई हुक्म नहीं चला सकता। अमीर कासिम से भी बड़ा एक हाकिम मौजूद है, और वो है खुदा, जो किसी बेगुनाह पर जुल्म करने की इजाजत नहीं देता। बकवास बंद करो। शमशीर बाज आज तक नहीं देखा, क्या क्या हाथ दिखाए हैं तुमने। हम आपका ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे। अगर आप ना आ जाते तो ये जालिम हमें अमीर कासिम के महल में पहुंचा देते। आप इंसान नहीं, फरिश्ते हैं। शुक्रिया, मैं अपनी तारीफ सुनने का आदी नहीं, खासकर औरतों की जबान से। क्यों, औरतों में क्या बुराई है? औरत की दगाबाजी और मक्कारी से अल्लाह बचाए, मुझे दुनिया की किसी भी हसीन औरत पर भरोसा नहीं। किसी भी औरत पर भरोसा नहीं, मगरूर कहीं का। कौन था ये सरफिरा? पागल मालूम होता है। बड़े भैया, तुम जानते हो इसे? इसे कौन नहीं जानता है, अमीर कासिम का बदचलन भाई है। बदचलन? जी हाँ, इसीलिए तो अमीर कासिम ने उसे घर से बाहर निकाल दिया। अजीब बात है। अरे मुझे तो ये पूरा शहर ही अजीब मालूम होता है, पागल खाना। मर्जीना चलो यहाँ से, चले मर्जीना, चलो भागो। ये तो वही सरफिरा अली बाबा है, तो इसी की खुशामद करें, ये हमें पनाह जरूर देगा। नहीं नहीं नहीं,
मैं ऐसे मगरूर आदमी की पनाह लेना बिल्कुल पसंद नहीं करती। अली देखो, कैसा था? मुझे किसी औरत पर भरोसा नहीं, मुझे उससे नफरत है। काश ऐसी नफरत किसी लड़की को मुझसे भी हो जाए। क्या मतलब है? मतलब यह कि सिपाही मर जाओ, भागो। छोड़ो मेरे हाथ से। तू खुद भी मरेगी और मुझे भी मरवाएगी। मैं कैसे तुम्हें जाने नहीं चाहती बाबा। अरे मर्जीना, उधर सिपाही आ रहे हैं। दरवाजा खोलो। अरे बाबा, छोड़ो। अरे तुम लोग यहाँ कैसे आ गए? अरे कासिम के सिपाही फिर हमारा पीछा कर रहे हैं। आओ मेरे साथ। आइए 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 आइए। भाग गए, सब भाग गए। डरपोक कहीं के, अरे मार मार के सबको कचूमर निकाल दिया, सबको भगा दिया। अरे मर्जीना, वो तो अच्छा हुआ कि मैं इनके साथ था। तू चले यहाँ से। लेकिन बात तो सुनो। ठहरो। इतनी जल्दी क्या है? देखो, सूर से बेचारे कितने शरीफ आदमी मालूम होते हैं, बिल्कुल मेरी तरह। मेरा ख्याल है हमें कुछ रोज इनका मेहमान बनकर रहना चाहिए। क्यों, क्या ख्याल है? नहीं, मैं एक पल भी यहाँ नहीं ठहर सकती। क्यों? जो मर्द औरत पर भरोसा नहीं करता, औरत भी उस मर्द पर भरोसा नहीं कर सकती। चलो। हाँ जी, शौक से जाइए, यहाँ कौन रोक रहा है आपको? अगर आप चाहे तो दरवाजा मैं ही खोलूं। आप तो खामखा मेरे मेरा भाग तो सुनिए। आप दरवाजा खोल के बैठो। मैं नहीं आता हूं। मैं यहां है तो शौक से जाइए। आप अली बाबा, क्या बात है? कुछ नहीं आपा। आपा कौन लोग हैं ये? मालूम नहीं, भाईजान के सिपाहियों से मैंने इनकी जान बचाई और ये है कि अकड़ी जा रही है। कहती है मर्दों पर मुझे भरोसा नहीं। मैंने भी कह दिया, जाइए जनाब, शौक से चले जाइए, दरवाजा मैं खोल देता हूँ। बदतमीज कहीं के, घर आए हुए मेहमानों से कोई ऐसा सलूक करता है? आओ बहन, इतनी जल्दी भी क्या है? अभी तुम्हारा बाहर जाना ठीक नहीं, हो सकता है वो लोग तुम्हें फिर परेशान करे। गुलबदन, अरे ओ गुलबदन। ओफ, ये क्या तूफानी रफ्तार है! जरा देखभाल के चला कीजिए ना। तुम कौन हो जी? गुलबदन, ये हमारे मेहमान हैं। तुम जरा जल्दी से इनके लिए कहवा बना लाओ। हजूर, सुनिए सुनिए, इन्हें क्यों तकलीफ देती हैं आप? कहवा मैं बहुत अच्छा बनाता हूँ, चूल्हा कहाँ है? हाय अल्लाह, मर्द हो कि चूल्हा फूकोगे? अजी हजूर, आप चूल्हे की बात करती हैं, मैंने तो बसरे में बरसों भार झोंका है। जरूर झोंका होगा, वो तो सूरत से ही नजर आता है। बीबी जी, ये तो बड़े काम के मेहमान नजर आते हैं, चूल्हा फूकवा लो इनसे। चल हट,
मेहमान से कोई चूल्हा फुकवाता है? अच्छा तू बाजार से सौदा ले आ, रेवा मैं खुद बना लेती हूँ। मैं भी तुम्हारे साथ बाजार चलता हूँ, तुम सौदा खरीदना मैं उठा के लाऊंगा। अफला तू क्या हो गया है तुम्हें? मुझे कुछ हो गया है? तुम पागल हो गए हो? ओफो तुम समझी नहीं, मैं दरअसल कुछ काम करके खाना चाहता हूँ। काम करके खाना चाहते हो तो ये लो और चलो मेरे साथ, मैं जंगल में लकड़ियां काटने जा रहा हूँ। लो चलो हम भर गए मेरे बाप। इधर किधर, तुम्हारा रास्ता उस तरफ है और मेरा इस तरफ, समझे? अच्छा तुम ये कटी हुई लकड़ियां गधे पे लाद कर घर चले जाओ, समझे? मैं उसे पकड़ कर लाता हूँ। कटे हुए गधे लकड़ियों पे लाद के घर ले जाओ, जैसे नौकर हूँ इसका। आखिर फंस गया ना गधा कहीं का। तेरी किस्मत में बोझ उठाना ही लिखा है बेटे, तू चाहे कितना भी भाग तक भी तेरा पीछा नहीं छोड़ेगी। साथियों, बगदाद से आने वाला काफला नजला के किनारे पहुंच चुका है, उन पर हमला करने का इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता। बंद हो जा सामसाम, चलो। बंद हो जा समसम, क्या इलाही ये क्या राज है? अरे भाई Thank you.
अल्लाह, यहाँ तो खजाने का अंबार लगा हुआ है। वाह मेरे मालिक, तेरी शान के कुर्बान, किसी को छप्पर फाड़ के देता है, मुझे पत्थर फाड़ के दिया है तूने। वाह क्या सूंघ रहा है? देख बेटा, ज्यादा लालच अच्छा नहीं होता, उतना ही खाओ जितना हजम कर सको, वरना लेने के देने पड़ जाएंगे, समझे? चलो जान। कहाँ है? बावर्ची खाने में। अफलातुन, इन थैलियों को अंदर लिया। अभी लो। बाप रे, ये तो बहुत भारी है। अली बाबा आ गए? आज इतनी देर कहाँ लगा दी? आपा जान ये बाद में बताऊंगा, पहले आप मुझे जरा खाना खिला दीजिए, बड़ी जोरों की भूख लगी। सुभान अल्लाह, क्या लजीज खाना है, ऐसा मालूम होता है जैसे फिरदौस की नेमत खा रहा हूँ। वाकई जी जाता है पकाने वाले का हाथ चूम। हाँ हाँ, मेरा नहीं, मर्जीना का हाथ चूम लो। खाना इसी ने पकाया है। अबे मुंह फुला के क्या बैठे हो, जल्दी से खोलो इसे। खोलता हूँ। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, फिर बोरियों में ना जाने क्या कचरा भर लाया है। ये लो देखो। दीनार, जवाहरात, ये सारी दौलत तुम कहाँ से लाए? मालूम होता है मालिक ने कहीं लंबा हाथ मारा है। सच सच बताओ अली, ये सारी दौलत तुम्हें कहां से मिली? कहीं गरीबी ने तुम्हारा ईमान तो नहीं खराब कर दिया? आपा जान, जब तक आपका साया अली के सर पर मौजूद है, अली का ईमान खराब नहीं हो सकता। ये सब अल्लाह की देन है। अगर ये अल्लाह की देन है तो खुदा तुम्हें और दे। मुझे तो ये मेहमान बड़े खुशबख्त नजर आते हैं, इनके कदम आते ही घर में दौलत की रेल पेल हो गई। अजी हम तो पारस पत्थर है, पारस पत्थर, जिस चीज को छू दे सोना हो जाए। लेकिन खुद तो पत्थर के पत्थर ही रहे, झूठे कहीं। ए गुलबदन,
तू बात बात से मेरी इज्जत का कचरा मत किया कर, ये बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, समझी? तुम बात ही ऐसी करते हो, भला किसी को छूने से कोई सोने का बन सकता है? आए? आए तो क्या मैं झूठ बोलता हूँ? झूठे नहीं तो और क्या, मुझे 20 दफा छू चुके हो, मगर मैं सोने की तो क्या, तांबे पीतल की भी नहीं बनी। अरे अरे बात यह है कि वो तो मैंने तुझे जानबूझ के नहीं बनाया, अगर तुझे सोने की बना देता तो क्या मैं सोने की मूर्ति से शादी करता? इस चक्कर में ना रहना, अगर मुझसे शादी करना चाहते हो तो पहले मेरे मालिक अली बाबा की तरह दौलत हासिल करो, वरना हवा खाओ हवा, मैं किसी फटीचर से शादी नहीं करूंगी, समझे? फटीचर? हाँ। ये बात है तो मैं दौलत हासिल करके ही शादी करूंगा। मैं भी कुछ दिनों से यही सोच रही हूँ कि बहुत दिनों तक तुम्हें इस घर में मेहमान बनाकर रखना अच्छा नहीं। तो फिर हमें इजाजत दीजिए। इजाजत कैसी? मैं चाहती हूँ मेहमान की बजाय तुम इस घर की मालकिन बन जाओ और मैं तुम्हारी मेहमान बनकर रहूं। जी जी, मैं आपका मतलब नहीं समझी। यही कि खुदा ने घर बैठे मुझे अली की दुल्हन दे दी, मैं अल्लाह की इस देन को ठुकराऊंगी नहीं, इस घर को अब अपना ही घर समझो। आप आजा। मर्जीना बीबी, आज तो बड़ी खुश नजर आ रही हो,
किसी को दुनिया भर की दौलत मिल जाए तो क्या वो खुश न होगा? तो क्या मालिक ने आपको अपनी सारी दौलत दे दी? वो तो मुझसे नाराज है ना। अजी वो आपसे क्या, रजिया आपा को छोड़कर वो तो दुनिया की सारी औरतों से नाराज है। अच्छा गुलबदन, अगर रजिया आपा उनसे कह दे कि वो एक औरत से नाराज न रहे तो क्या वो मान जाएंगे? ये तो बड़ा टेढ़ा सवाल है। मालिक आ गए, मैं अभी उनसे पूछ कर बताती। नहीं नहीं नहीं, अरे गुलबदन, अरे वो गुलबदन सुन तो। नहीं नहीं दीदी, मैं अभी पूछ लेती हूं मालिक से। हां हां पूछ, क्या पूछना चाहते हो? मालिक मैं नहीं, बीबी जी कह रहे हैं। नहीं नहीं मैं कुछ नहीं कहती, मैंने कुछ नहीं कहा। आय हाय बीबी, अभी तो कह रही थी। जी मैं कह रही थी कि ये घर है ना, घर ये बहुत पुराना हो गया है, इसे फिर से नया क्यों नहीं बना लेते? अरे वाह बीबी वाह, तुमने तो बिल्कुल बात ही पलट दी। चल हट, झूठी कहीं की। जी यही घर की बात। घबराओ नहीं मर्जीना, बहुत जल्द ये घर नया हो जाएगा। इस घर की हर चीज नई हो जाएगी, नौकर चाकर है। तो क्या आप मुझे निकाल कर नई कनीज रख लेंगे? नहीं नहीं, इस घर में बहुत सी कनीजें होंगी और तुम उन सब की जमादारन हो। जमादारन? और मैं? तुम मर्जीना, तुम खाना बहुत अच्छा पकाती हो, इसलिए मैं तुम्हें बावर्ची खाने की मलिका बना दूंगा। बावर्ची खाने की मलिका? बस मर्जीना, मेरे अच्छे गधे, मेरे प्यारे गधे, तूने भी किसी ना किसी गधी से मेरी तरह प्यार जरूर किया होगा। और तू ये भी जानता होगा कि मोहब्बत के चक्कर में आदमी हो या गधा, गधा हो या आदमी, सभी गधे बन जाते हैं, जानता है ना? अरे शाबाश, तू तो बहुत समझदार गधा है। देख, अगर मुझे दौलत नहीं मिली तो गुलबदन मुझसे शादी नहीं करेगी, इसलिए मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बाप, अली बाबा की तरफ मुझे भी खजाने का पता बता दे। चल यार, ले चलना मुझे खजाने की तरफ, चल चलना, चला चला। भाईजान, अरे बात सुनो, अरे मैं भी आ रहा हूँ, चला खजाने की तरफ। भाईजान, अरे बाबा बात तो सुन, कहाँ भागता है? क्यों मेरे गधे भाई, क्या खजाना यहाँ है? क्या इस दीवार में? बस फिर तो काम बन गया जियो, मैं अभी खोद के इस दीवार से निकाल लेता। मैं मासूम दिल मासूम दिल मासूम मैं मासूम, दो नजरें जब टकराई तो क्या हो जाए क्या मालूम। मैं मासूम दिल मासूम दिल मासूम मैं मासूम, दो नजरें टकराई तो क्या हो जाए क्या मालूम क्या मालूम। मिया, अरे वाह, हीरो का हार, अरे आज तो अपनी तकदीर का फाटक खुल गया। जियो मेरे गधे भाई जियो, देख लो अब क्या मिलता है। मियाँ ये तो तीसरा हाथ किसका है? ये मेरा हाथ किसने पकड़ लिया? समझ गया, तकदीर ने पकड़ा है। हा हा हा, कितना नाजुक और कितना मुलायम हाथ है। ए मेरी खूबसूरत तकदीर, मेरा हाथ जिंदगी भर ऐसे ही पकड़े रखना, कभी मत छोड़ना। हाँ, अब तो मैं मरकर भी तेरा हाथ नहीं छोड़ूंगी ना मुराद। अजी मियाँ, चोर पकड़ लिया जल्दी। चोर 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 चोर, ला मेरी कलाई। अरे कमबख्त मेरी कलाई मुराद। आई जी मियाँ, मियाँ को क्या मेरी कलाई? ला गई गई। क्या हो गया बेगम, क्या हो गया? अरे ये किसका? चोर का हाथ। अच्छा अच्छा पकड़ के को, मैं अभी चोर को पकड़ता हूँ। जब तक तुम फोन ना लेती उसको। जल्दी जाइए, खाता जा रहा है। मैंने पकड़ा था, जल्दी
बेगम उसका हाथ छोड़िए, मैंने चोर को पकड़ लिया। पहलवान आपकी दाढ़ी की कसम मैं चोर नहीं हूँ, सारा कसूर इस गधे के बच्चे का है जो मुझे उल्लू बना के यहाँ लाया। अरे उल्लू तो तू बना रहा है कम्बक, इधर दे, तेरे अब्बा जान का माल है क्या? क्यों बात कर दो अब्बा जान, गलती हो गई। अब्बा जान कहता मुझे नहीं मारा तो अब्बा जान, अब्बा जान मैं तेरी अब्बा बनूं, तेरे मुंह में कीड़े पड़े जा करके चोर तेरे की बहन, मैं तेरा मुंह काला करके गधे पे बैठा के पूरे शहर में घुमा दीजिए, सुना बना दो। क्या हुआ, क्या हुआ, मेरा ये हीरो का हार चोरी क्या था? फूलों का हार, इज्जत अफजाई का बहुत बहुत शुक्रिया, मैं खुद ही पहन लेता हूँ। ठीक है, अशर्फियों से मेरा खजाना भरता जा रहा है, अब तो मैं अमीरों का अमीर बन गया हूँ। बस दिन रात यही ख्वाब देखते रहो। कुछ दुनिया की भी खबर है तुम्हें? कैसी खबर बेगम? मैंने सुना है अली ने इतना बड़ा मकान बनवाया है कि सारे शहर में उसके चर्चे हो रहे हैं, और दौलत का तो कुछ हिसाब ही नहीं है। मगर बेगम ये कैसे हो सकता है? अल्लाह जाने कैसे हुआ, मैंने तो जब से सुना है मेरे कलेजे पर सांप लौट रहा है। मगर हमने तो उसे एक कौड़ी दिए बगैर घर से बाहर निकाल दिया। तो क्या हुआ, जो निकाला गया है उसको बुलाया भी तो जा सकता है। बेगम ये तुम कह रही हो? क्यों, इसने हर्ज ही क्या है? उसने तुम्हारी इज्जत पर हाथ डाला है, तुम्हें बेआबरू करने की कोशिश की है। अजी जवानी में तो सभी ऐसा करते हैं, तुम अपने आप को देखो ना, 40 से ऊपर हो चले हो मगर अब भी पराई औरतों को देखकर राल टपकाने लगते हो, है ना? जी जी। और फिर मैं उसे हमेशा के लिए बुलाने को थोड़ी कह रही हूँ। तो फिर इधर आओ। समझ गए? खुदा की कसम बेगम तुम्हारी होशियारी का जवाब नहीं, मैं आज ही अली को दावतनामा भेजता हूँ। आ, 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 आ,
पसंद आया? इस तकलीफ की क्या जरूरत थी भाईजान, मुझे आप मिल गए, सारी दुनिया की खुशियां मिल गई। अरे हाँ, अभी तक तो मैं तुमसे जी भर के मिला भी नहीं। अली आओ मेरे साथ, अभी तो मुझे तुमसे बहुत कुछ कहना है, बहुत कुछ सुनना है। आओ इधर, मैं जानता हूँ अली तुम मुझसे बहुत नाराज हो, मैंने तुम्हें घर से निकाल कर तुम्हारे ऊपर बड़ा जुल्म किया है। जुल्म नहीं भाईजान, आपने तो एहसान किया है। अगर आप मुझे घर से न निकालते तो शायद जिंदगी भर मैं अपने पैरों पे खड़ा ना हो सकता। होगा भाई, मैं तो दौलत की जंजाल में फंस गया हूं, लेकिन नहीं, अब मैं इस दौलत को ठिकाने लगा दूंगा। देखो यहां की जितनी भी दौलत है उसमें से आधी तुम्हारी है, मगर तुम चाहो तो सब ले लो। शुक्रिया भाईजान, मुझे आपकी दौलत की जरूरत नहीं। मैं जानता हूँ तुम्हारे पास बहुत दौलत है, मगर मैं ये नहीं चाहता कि अमीर कासिम के भाई के पास हराम की दौलत रहे, इसलिए तुम वो सारी दौलत गरीबों में बांट दो और ये हलाल की दौलत अपने घर ले जाओ। आपको गलतफहमी हुई है भाईजान, मेरे पास हराम की दौलत नहीं है। तो फिर तुम्हारे पास यकायक इतनी दौलत कहाँ से आ गई? ये मैं आपको नहीं बता सकता भाईजान। मुझे गैर समझते हो इसीलिए ना। ये आप क्या कह रहे हैं भाईजान? मैं वही कह रहा हूँ भाईजान, जो मुझ पर गुजरी, उधर से शेर बड़ा, इधर से मैं बड़ा, उधर से वो उछला, इधर से मैं उछला, वो मेरे ऊपर से निकल गया, मैं उसके नीचे से निकल गया। बेवकूफ, बदतमीज, माफ कीजिएगा सरकार, मैंने जोश में आके आपको शेर समझ लिया था, मगर आप तो गिदड़ निकले। क्या जी? नहीं सरकार, गलती हो गई। आप मुझे बिल्कुल गलत समझ रहे हैं भाईजान, मेरे दिल में जरा बराबर भी आपकी तरफ से मैल नहीं है। ये सब कहने की बातें हैं अली, अगर मैल ना होता तो इतनी मामूली सी बात छुपाते क्यों? तुम यकीनन मुझे अब भी अपना दुश्मन समझते। सच कहती हूँ बहन, तुम जब से इस घर से गई हो इस घर की तो सारी खुशियां ही रुखसत हो गई हैं। अरे तुम कहाँ जा रही हो? कुछ नहीं, प्यास लग रही है। तो तुम क्यों तकलीफ करती हो? तुम बैठो, यहाँ बैठो, मैं आप सबके लिए शरबत लेकर आती हूँ। मुझे तो डर लग रहा है कहीं कासिम बेला फुसला कर उससे खजाने का राज ना पूछ ले। मुझे भी कुछ दाल में काला नजर आता है। सबसे पहले आप लीजिए, मुझे तो प्यास ही नहीं। ओफो, अब जिद न कीजिए। अगर आप जिद ही करते हैं तो ठीक है सुनिए, मगर खुदा के लिए किसी से भी न कहिएगा भाईजान। फिर वही शक, मैं कोई तुम्हारा दुश्मन हूँ? अगर डरते हो मेरे कान में कह दो। खुल जा समसम, बंद हो जा समसम, बस अब मेरा काम बन गया। भाई हो तो ऐसा हो। आ
मेरे साथ। अरे ऐसा ऐसा, अरे मेरे कलाई मोज खा जाएगी। अरे ऐसा जाफर, मेरे प्यारे भाई को इज्जत के साथ हिफाजत में ले लो। भाईजान, मैंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि आप मुझसे ऐसी दगाबाजी करेंगे। खामोश, ले चलो चलो। इस दगाबाज ने तन्हा पाकर मुझ पर वार किया, वो तो अच्छा हुआ जाफर ने आकर मुझे बचा लिया, वरना। नहीं नहीं, हमारा अली ऐसा कभी नहीं कर सकता। चुप रहो, मेरी अच्छी बेगम, मेरी होशियार बेगम, तुमने जैसा कहा था वैसा ही हुआ, अब मुझे क्या करना चाहिए? हाथ में आए हुए शिकार को छोड़ देना अकलमंदी नहीं, समझे? समझा। ले जाओ इसे, डाल दो जिंदान में, कल सुबह होते ही इसे मौत की खाट उतार दिया। नहीं नहीं, तुम मेरे जीते जी अली को कत्ल नहीं कर सकते। हट जाओ। बेगम, बेगम रहम करो, खुदा को क्या जवाब दोगी? जिसके पास ताकत होती है उसे किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं। मर्जीना, तुम खड़ी खड़ी क्या देख रही हो? कुर्बान हो जाओ अपने अली पर से। मैं और इस पर कुर्बान हो जाऊं? मुझे तो और खुशी हो रही है। ये क्या कह रही हो मर्जीना? मर्जीना, मर्जीना के दिल में तुमने नफरत का शोला भड़का दिया है और अब ये शोला सिर्फ तुम्हारे खून से ठंडा हो सकता है। मर्जीना, इसने तुम्हारे साथ क्या किया है? वही जो आपके साथ किया है। बेगम, आप भी एक औरत हैं, इसलिए मेरे दिल का दर्द आप समझ सकती हैं। मैंने एक शरीफ आदमी समझकर इसकी पनाह ली, लेकिन इसने मुझे अपनी दिलचस्पी का सामान बना लिया। मुझसे कहा, जानती है इसने क्या कहा? क्या? मर्जीना, तुम बहुत अच्छा खाना पकाती हो, इसलिए मैं तुमको बावर्ची खाने की मलिका बनाना चाहता हूँ। मर्जीना, ये तुझे क्या हो गया है? मेरी किस्मत में यही लिखा है आपा, भाभी ने अपनी दिल की हसरत निकाल ली, अब इसे भी अपने अरमान पूरे कर लेने दीजिए, ताकि मैं यकीन कर लूं कि दुनिया की हर हसीन औरत नागिन होती है जो मौका पाते ही डस लेती है। तू तो मुझे पहले ही डस चुका है जहरीले नाग, तू मुझे बीवी बनाने के बजाय बावर चिखाने की मलिका बनाना चाहता था, मेरे मचलते हुए अरमानों का रक्स देखना चाहता था। बहन, इजाजत दीजिए कि मैं अपने तड़पते हुए अरमानों का खूनी रक्स दिखाऊं। ले लो खंजर और अपने इंतकाम की आग बुझा लो। ऐसा ना हो कि इसमें भी कोई चाल हो। मैं एक औरत हूँ और चोट खाई हुई औरत के जज्बात को अच्छी तरह समझती हूँ। जाओ, तुम्हें इजाजत है। Thank you.
बचकर जाने ना पाए। खुल जा, ए खोल दो मुझे, ए मेरा मतलब है मुझे भी छोड़ दो। नहीं नहीं, पकड़ कर खोल से, खुल जा बम बम, बंद हो जा टम टम, खुल जा। सवार कर दो, अब मैं अभी आता हूं। आइए। मर्जीना की होशियारी की वजह से हमारी जान बच गई, वरना उस फरेबी ने तो कोई कसर न उठा छोड़ी थी। हाँ अब, अरे ये मर्जीना कहाँ चली गई? हाँ वो देखो, शायद तुमसे नाराज मालूम होती है। मर्जीना नाराज हो क्या? नाराज होने की क्या बात है? मैंने तुम्हें कितना बुरा भला कह दिया था। वो तो कहना ही चाहिए था, मैंने बात ही ऐसी की थी। मर्जीना आज तुमने मुझे नई जिंदगी दी है, मैं किस जबान से तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं? एक औरत का शुक्रिया? हाँ। औरतों से तो आपको नफरत है ना? थी, अब नहीं रही।
क्यों? इसलिए कि आज मैंने औरत को उसके असली रूप में देखा है। सच? आज मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं। क्यों? किसी का खुदा उस पर मेहरबान हो जाए, उसकी इबादत को कबूल कर ले, तो क्या वो खुश ना होगा? खुल्ला सामसा। बंद हो जा सामसा, बंद हो जा, बंद हो जा। अब याद आया, अली ने कहा था कि चक्कर बाईं तरफ घुमाने से पुल ऊपर उठता है और दाईं तरफ घुमाने से पुल नीचे जाता है। हाँ, कारून का खजाना, सोना 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 ही सोना, चांदी, जवाहरात जवाहरात, मोती, वाह बे वाह, ये मोती नहीं है भाई दे। और मोती तो इससे भी अच्छे हैं, हैं? ये असली है, ये मुझे चाहिए, ये मुझे चाहिए। जवाहरा जवाहरा अशरफिया, ये भी मुझे चाहिए, ये भी मुझे चाहिए। मुझे मुझे वो भी चाहिए। मुझे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। हैं, इसमें क्या है? मुझे सब चाहिए, मैं ये भी ले जाऊंगा, मैं ये भी ले जाऊंगा। मैं ये भी ले जाऊंगा। तू मेरा मुंह क्या देख रहा है? आजो आजो। तुम भी हंसो हंसो हंसो।
हंसो हंसो जो हंसो, ये सब मेरा है, ये सब मेरा है, हंसो हंसो जोर से हंसो। जादू सीखा है, जादू। जादू? लड़ाई के दौरान में वो यही जादू पढ़ रहे थे, बंद हो जा टम टम, खुल जा बम बम, बंद हो जा टम टम, खुल जा बम बम, और यही जादू पढ़ते पढ़ते गायब हो गए। खुदा खैर करे। क्यों? आज मैं वक्त पर पहुंच जाऊं। कहाँ जा रहे हो? ये बाद में बताऊंगा आपा। आप लोग कुचा मुनीषा के पुराने मकान में मेरा इंतजार कीजिए। लेकिन अली बाबा, तुम क्या कर रहे हो? दरवाजा खुल जा। मैं कहता हूँ खुल जा दरवाजा। या खुदा, क्या अल्फाज थे? मैं तो भूल ही गया। हाँ याद आया। चकरम खुल्या अगरम। ये क्या? घोड़ों की आवाज। मैं पकड़ा जाऊंगा। यही ठीक है, इसी में छुप जाता हूं। Thank you.
इतनी लापरवाही, जाते वक्त ये पुल ऊपर क्यों नहीं उठाया? सरदार मुझे अच्छी तरह याद है, जाते वक्त ये पुल मैंने ऊपर उठा दिया था। तो क्या ये अपने आप नीचे आ गया? चलो नायाब चीज यहां फेंक दी है, उठाओ उसे। कम बख्त, खून और पसीने से हासिल की हुई दौलत को इस तरह बर्बाद करते हो? समझ में नहीं आता हुजूर, ऐसा कभी नहीं हुआ। ऐसा कभी नहीं हुआ? अमीर कासिम है। हाँ हाँ, मैं अपना नाम भूल गया था, मेरे होश ठिकाने नहीं है हुजूर। घबराओ नहीं कासिम, तुम अभी ठिकाने लगा दिए जाओगे। खुदा के लिए ऐसा न कीजिए, ये सब ले लीजिए, मुझे छोड़ दीजिए। ये लीजिए, ये लीजिए, ये भी लीजिए, ये भी लीजिए, मैं ये सब आपको दे देता हूँ। जैसे कि ये सब तेरे बाप का है। जी जी नहीं नहीं, ये सब तो आपका है। मुझे माफ कर दीजिए हुजूर, मैं आपका अपनी आधी दौलत दे दूंगा। हुजूर, हुजूर, मैं आपको अपनी सारी दौलत दे दूंगा। हुजूर, मैं आपको दुनिया भर की दौलत दे दूंगा, आपको बादशाह बना दूंगा। नहीं नहीं, बादशाह नहीं, शहंशाह, आलीजाह, आलम पनाह। मैं आपको जमीन से उठाकर आसमान पर बिठा दूंगा। हुजूर, हुजूर, मुझे नमाज, मुझे यहां से जाने दीजिए। अमीर कासिम, जानते हो मुझे सबसे ज्यादा किसे नफरत है? जानता हूं हुजूर, जो आपकी दौलत चुराना चाहता हूं। नहीं तो जो आपकी खिदमत नहीं करता। नहीं, हमें सबसे ज्यादा नफरत बुजदिल इंसान से है, और तुम बुजदिलों की निगाह में भी बुजदिल है। नर Thank you.
अगर चोरों को मालूम हो गया कि लाश मैं उठा के लाया हूँ तो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मगर उन्हें मालूम ही कैसे होगा? कल जब कटे हुए सर की लाश दफन की जाएगी तब सबको पता चल जाएगा। किसी तरह सर गर्दन से जोड़ दिया जाए तो सारे राज पर पर्दा पड़ सकता है। मगर कटा हुआ सर गर्दन से जोड़ा ही कैसे जा सकता है? यही तो मुश्किल है। ये मुश्किल आसान हो सकती है। वो कैसे? ये मुझ पर छोड़ दीजिए। कौन? दरवाजा खोलिए ना। कौन है आप? मुझे नहीं पहचाने मुस्तफा बाबा। मैं उसी कनीज की छोटी बहन हूँ जो आपसे फटे हुए कपड़े सिलवाने आती है। ओह, बशीरन, वाह 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 वाह, आवाज भी कितनी मिलती जुलती है। फरमाइए, क्या खिदमत कर सकता हूँ आपकी? मुस्तफा बाबा, खिदमत तो मैं आपकी करने आई हूँ। वल्लाह, मैं कितना खुश नसीब हूँ। वो आए घर में हमारे, खुदा की कुदरत है, कभी हम उनको कभी अपने घर को देखते हैं। मेरी बड़ी बहन कहती थी आप कटी हुई गर्दन भी सी सकते हैं। हाँ, आप किसी के गर्दन काटिए और फिर देखिए मेरा कमाल। तो मैंने गर्दन काट दी। यानी कि वो गर्दन आपको लाश के साथ सीनी होगी। लाश गर्दन? क्यों मजाक कर रही हैं आप अशरफिया? अभी नहीं, काम हो जाने के बाद। जी, मैं राजी हूँ। बाबा मुस्तफा, आप कितने अच्छे हैं। जरा आंखों पर पट्टी बंधवा लीजिए। पट्टी क्यों? ओए अल्लाह, बंधवा लीजिए ना। बांधिए। कहाँ ले जाओगी मुझे? घबराइए नहीं, मैं आपको जहन्नुम में नहीं ले जाऊंगी। अजी, आपके पीछे तो मैं वहां भी जाने को तैयार हूँ। अच्छा, तो चलिए चलिए चलिए। तेरे चराग हैं, जलाए जा बुझाए जा, हम तेरे चराग हैं, जलाए जा बुझाए जा। कि हम तेरे चराग हैं, जलाए जा बुझाए जा, हम तेरे
तेरे चराग हैं, जलाए जा बुझाए जा, बनाए जा बिगाड़े जा, बिगाड़े जा बनाए जा। सर पे साया मौत का है और हमको जीना है, सर पे साया मौत का है और हमको जीना है, अपने हाथों अपने ही दिल के जख्म सीना है, जो तुझे मंजूर है वो काम तू कराए जा, कि हम तेरे चराग हैं, जलाए जा बुझाए जा, हम तेरे चराग हैं, जलाए जा बुझाए जा। देख लीजिए, अब कोई नहीं कह सकता कि सर धड़ से अलग था। हाँ शाबाश, ये लीजिए आपका इनाम। शुक्रिया शुक्रिया। मुस्तफा बाबा, जरा आंखों पर पट्टी बंधवा लीजिए ना। बांधिए बांधिए। कल रात को मैं फिर आपके घर आऊंगी। हाँ? किसी और की गर्दन काटने का इरादा है क्या? नहीं नहीं, सिर्फ आपसे मिलने। जरूर आइए जरूर आइए। चलिए चलिए चलिए। मेरा बटुआ गिर गया। घबराइए नहीं, मैं अभी ढूंढ देती हूँ। ये लीजिए। शुक्रिया शुक्रिया। चलिए चलिए। माना ये सब खेल है किस्मत की लकीरों का, माना ये सब खेल है किस्मत की लकीरों का, फिर भी तेरे हाथ है फैसला तकदीरों का, दुनिया की तकदीरों को जगाए जा सुलाए जा, कि हम तेरे चराग हैं, जलाए जा बुझाए जा, हम तेरे चराग हैं, जलाए जा बुझाए जा, हम तेरे चराग हैं, जलाए जा बुझाए जा, हम तेरे चराग हैं, जलाए जा बुझाए जा। गम तो सिर्फ इस बात का है कि मौत ने घर देख लिया। सरदार गजब हो गया। सरदार बड़े संदूक से अशर्फियां और दीनार भी गायब है। दीनार भी गायब है? पता नहीं वो कमबख्त कब से हमें लूट रहा है। अगर जल्दी उसे मौत के घाट न उतारा गया तो हमारी सारी मेहनत पे पानी फिर जाएगा। लेकिन लेकिन हमें कैसे पता चले सरदार कि वो कौन है? अमीर कासिम शहर का बहुत मशहूर आदमी है, उसके कत्ल के चर्चे भी सारे शहर में चल रहे होंगे। चलो देखें, शायद चोर का कोई सुराग मिल जाए। तशरीफ रखिए तशरीफ रखिए। रख शुरू कर दिया जाए। सादगी में
मस्ताना सर से पांव तक छाई हुई, उफ तेरी काफिर जवानी जोश पर आई हुई। बाबा मुस्तफा, कल तक तो तुम कौड़ी कौड़ी के मोहताज थे, आज इतनी दौलत कहां से मिल गई? कहीं से भी मिल, ये राज राज ही रहने दो। काश ये दौलत जवानी में हाथ आई होती। हाय, जो आके न जाए वो बुढ़ापा देखा, जो जाके न आए वो जवानी देखी। तो इसमें पछताने की क्या बात है बिरादर? दौलत पास हो तो बूढ़ी रगों में भी जवानी का खून दौड़ने लगता है। सुभान अल्लाह, क्या बात कही है। गुस्ताखी माफ, क्या मैं आपका नाम पूछ सकता हूँ? शौक से, शौक से। खाकसार को मुस्तफा बाबा कहते हैं। काम क्या करते हैं? काम हसीनों के दामन में तारे नजर से मोहब्बत के लालो गुहर टांकता हूँ। यानी कि आप तरसी हैं? हाँ जी हाँ, कपड़ों में टांके लगाते लगाते दो चार टांके ऐसे भी लग गए कि मेरी तकदीर का फटा हुआ ढोल भी सिल गया और अब धमाधम 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 बज रहा है। मगर आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? मुझे एक ऐसे माहिर फनदर्सी की जरूरत है जो कपड़ों के अलावा और भी कुछ सी सके। कुछ और से आपका क्या मतलब है? मतलब हाथ पांव नाक कान गर्दन। गर्दन? एक गर्दन की सिलाई 500 अशरफिया लूंगा। 500 क्या, 5000 मिलेंगे? 5000? तन्हाई में आइए। चलिए चलिए आइए। हाँ तो आप कटी हुई गर्दन सीते? हाँ, कुछ ही दिन हुए मैंने गर्दन सी। कौन सी औरत? ये मैं नहीं जानता। मेरी आंखों पर पट्टी बांध के ले गई थी और पट्टी बांध के छोड़ गई। और क्या जानता है? बस इतना जानता हूँ कि वो मकान ऊंचा मुनि शाह में। तेरी आंखों पे तो पट्टी बंधी थी। मैंने वहां एक फकीर की आवाज सुनी थी जो कूचा मुनीर शाह में हमेशा सदा लगाता है। कूचा मुनीर शाह। में शोखी अदाए बेमिसाल, खोई खोई आँखों
गया है। ले चलो इसे। हुजूर, मोहल्ले का तो पता लग गया, लेकिन लेकिन मकान का पता कैसे लगे? हुजूर, उसका भी पता लग सकता है। वो कैसे? मकान से निकलते वक्त उस नकाबपोश लड़की की नजर बचा के मैंने दरवाजे पे ऐसा निशान बना दिया था। जीगा, इस बुड्ढे को अपने अड्डे पर ले चलो, हम आज ही रात उस मकान पर छापा मारेंगे। उस दरवाजे पर भी वैसा ही निशान। सरदार, वो देखिए। मुस्तफा ने हमें बेवकूफ तो नहीं बनाया? उसकी ये मजाल नहीं हो सकती। मालूम होता है किसी बहुत ही चालाक दुश्मन से पाला पड़ा है। आओ। खुदा का शुक्र है भला टल गई। अरे तुम रो रही हो? उस डाकू को देखकर मुझे अपने माँ बाप याद आ गए। उसी जालिम ने उन्हें मुझसे छीन लिया था। आंसू न बहा मर्जी, शायद इसी बहाने खुदा हमें मिलाना चाहता था। कल भाईजान के शोक के दिन खत्म हो जाएंगे और हम फिर अपने खानदानी महल में रहने चले जाएंगे, जहाँ नई जिंदगी की मसरतें हमारे कदम चुमेगी, आसमान से प्यार की शबनम बरसा करेगी और हम उसमें नहाते रहेंगे। कितना खूबसूरत ख्वाब है। यह हकीकत है मर्जीना, काश तुम जानती मैं तुमसे कितनी बेपनाह मोहब्बत करता हूं। तुम्हारा ख्याल सूरज की रोशनी और शमा के उजाले की तरह दिन रात मेरे साथ रहता है। मैं हर लम्हा हर घड़ी तुमसे करीब और करीब होता चला जा रहा हूं। मैं भी सोचते जागते आप ही के ख्वाब देखा करती हूं। रुकती सांसें
को पुकारे आजा बाहों में दिन की राहों में झुकती नजरें अल्लाह अल्लाह उठती पलकें अल्लाह अल्लाह लिखा के गिरती हुई आबशारे के तुमने है लहरा के गे सुबखेरे है बलखा के गिरती हुई आबशारे के तुमने है लहरा के गे सुबखेरे چوگنی ترقی عطا فرما آمین امیر عالی مقام غلام کی پہلی نذر قبول کیجیے خدا تمہاری دولت میں برکت دے آج سے یہ دولت ہمارے خزانے میں شامل نہیں ہوگی اس سے ہم غریبوں یتیموں اور بیواؤں کی مدد کریں گے خدا کے بے بس اور مجبور بندوں کی بھلائی پر خرچ کریں گے خدا ہمارے غریب پرور امیر کو سلامت رکھے آمین اب آپ لوگ جا سکتے ہیں خدا حافظ خدا مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو میں واری میں سب کے خدا امیری مبارک کرے لو منہ میٹھا کر لو مبارک ہو سرکار ارے یہ مرجینا کہاں گئی ابھی ابھی تو یہاں کھڑی تھی مرجینا وہاں کیا کر رہی ہے
आ। वो नहीं आएगी आपाजान, आज मुझे खुद ही उसके पास जाना होगा। तो जाना, जा। अमीरी मुबारक हो। मदीना, तुमने अपनी जिंदगी तो मुझे पहले ही दी। नहीं नहीं हुजूर, खुदा के लिए मेरे बुढ़ापे पे रहम कीजिए हुजूर। चोर का पता बता, चोर का। हुजूर, आप खुद चोरों के सरदार हैं, आपसे बेहतर क्या? नहीं नहीं हुजूर, घबराहट में जबान फिसल गई। असली चोर तो वो है जो आपकी दौलत चुरा कर ले गया। दौलत चुरा कर ले गया उसका मुझे कोई गम नहीं है मुस्तफा, गम तो सिर्फ इस बात का है कि वो कम वक्त एक ही दिन में अमीर बन गया होगा। एक ही दिन में अमीर बन गया? हुजूर, हुजूर, फिर तो मैं उसे जानता हूं। कौन है वो? एक ही दिन में अली बाबा अमीर बन गया, और वो कासिम का भाई भी है। अली बाबा, ठीक है, उसके अलावा और कोई नहीं हो सकता। तो हुजूर, अब तो मेरी जान बख्श दीजिए। जी गम। हुजूर, मैं वादा करता हूं कि आपके खजाने का पता मैं किसी को नहीं बतलाऊंगा। यह राज मेरे साथ कब्र में दफन हो जाएगा। जी गम, इसकी आरज़ू पूरी कर दो, ले जाओ इसे। अल्लाह आपको इस नेकी का बदला दे, आप इंसान नहीं फरिश्ते हैं। सब के सब फरिश्ते हैं, अल्लाह इसे नेक और रहम दिल बंदे कभी कभी पैदा करता है। रो हैं? आप क्यों रोकते हैं हुजूर? सरदार ने तो मुझे रिहा कर दिया है। अभी जिंदगी से रिहा होना बाकी है। बचो, बचो, रास्ता छोड़ दो। अदब, मुलाजा, होशियार, सौदागर निशान, ताजरों के सुल्तान, आंधी और तूफान, न जान न पहचान, बिन बुलाए मेहमान, इब्ने आदम उर्फ मुगले आजम कदम रंजा फरमाते हैं। अफलातून, कौन है ये जो इस साजो सामान से आ रहे हैं? हजूर, तेली हैं। तेली? जी हाँ, तेल बेचते हैं। अब मेरा मतलब है सरकार के तेल के बहुत बड़े सौदागर हैं, आपके मेहमान बनना चाहते हैं। मेहमानों के लिए हमारे दरवाजे हर वक्त खुले रहते हैं। आइए आइए हजूर, आइए आइए, तशरीफ ले चलिए। आइए आइए, तशरीफ लाइए। अमीरों के अमीर अली बिन हारून की खिदमत में गरीब ताजिर का सलाम। फरमाइए, कैसे तकलीफ की? हमें इन तेल के कुप्पों को लेकर यमन के बादशाह की खिदमत में जाना है। इनमें बहुत ही कीमती रोगन है, सुना है आगे रास्ता खतरनाक है, रास्ते में डाकू लूट लेते हैं, इसलिए एक रात आपके यहाँ ठहरना चाहते हैं। हाँ हाँ, बड़े शौक से, हम आपके हर खिदमत के लिए तैयार हैं। इंशाअल्लाह, आप देखिएगा, मैं भी आपकी इस मेहमान नवाजी का बदला जरूर चुका दूंगा। मैं बदले के लिए नेकी नहीं करता। अफलातून, इन कुप्पों को बड़ी दालान में हिफाजत से रखवा दो। बेहतर जनाब। ए, सब कुप्पे उतारो, चलो चले। ए, जल्दी करो। ए, तुम भी साथ लाओ, चलो जल्दी जल्दी। अरे जल्दी करो। हाँ रखो रखो। आइए अंदर तशरीफ ले चलिए। मैं जरा अपने गुलामों को हिदायत दे दूं, कहीं ऐसा न हो कि उनकी लापरवाही से नुकसान हो जाए। बड़ा कीमती रोगन है। हाँ हाँ, शौक से जाइए। आप अंदर तशरीफ ले चलिए, मैं अभी हाजिर हुआ।
जाओ आगे सब कुत्ते। हाँ सर इत्मीनान से इत्मीनान से इत्मीनान से। सैगम क्या हुआ सरदार? जब मैं तीन बार ताली बजाऊं तो फौरन बाहर निकल पड़ना, नहीं तो मेरी जान खतरे में पड़ जाएगी, समझे? तीन बार ताली बजाऊंगा। ये ले, ये ले, ये ले, चलो जाओ, चलते फिरते नजर आओ, चलो चलो जाओ चलो। अरे जाओ ना, मुंह क्या देखते हो, चलो। अरे वाह, काफी माल बचा लिया। अगर ऐसे दो चार सौदागर और आ जाए तो बस मजा आ जाए। क्यों क्यों क्यों? अफलातून, मुझे यकीन है इन कुप्पों में घी तेल नहीं है। अरे इन कुप्पों में घी और तेल नहीं है तो क्या भूत और शैतान बंद है? हाँ, मैंने अपने कानों से एक शैतान की बातें सुनी है। सच? बचा कर देखो। ना बाबा ना, कभी भूत बाहर निकल आया तो। मैं कहती हूँ बचाओ। बचाता हूँ बचाता हूँ। कहिए सरदार, बाहर आ जाए। मंजीरा, ये भूत तो बाहर आ रहा है, अब क्या होगा? घबराओ नहीं, आवाज बदल कर कह दो। अभी नहीं, जब मैं तीन बार ताली बजाऊं तब। अभी नहीं, जब मैं तीन बार ताली बजाऊं तब। बहुत अच्छा सरदार। अजी अभी भी ये सब क्या चक्कर है? ये चक्कर नहीं है अफलातून, खुदा ने आज मुझे अच्छा मौका दिया है कि मैं अपनी कसम पूरी कर सकूं। सुनो। ये क्या कह रही हो तुम? तुम्हारे होश तो ठिकाने हैं? तुम एक पराए आदमी के सामने नाच कर मुझे जलील करना चाहती हो, मेरी इज्जत पर धब्बा लगाना चाहती हो? आप यकीन कीजिए, मैं कोई ऐसा काम नहीं करूंगी जिससे आपकी इज्जत पर हर्फ आए। हाँ हाँ, हर्फ कैसा आएगा? जब तुम सौदागर को अपनी जवानी की बहारें दिखाओगी, अपनी रंगीन अदाओं से उसे रिझाओगी, तो मेरी इज्जत पर चार चांद लग जाएंगे। खुदा के लिए ऐसा न कहिए, मुझे सिर्फ एक बार उसके सामने नाचने दीजिए, फिर मैं जिंदगी भर नहीं नाचूंगी। लेकिन क्यों? ये मेरा बरसों का अरमान है। तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम उस सौदागर को बहुत पहले से जानती हो? हाँ। और इससे मोहब्बत भी करती हो? इस सवाल का जवाब मेरा नाच देगा, मुझे इजाजत दीजिए। नहीं मर्जीना, नहीं, मैं किसी कीमत पर तुम्हें इसकी इजाजत नहीं दे सकता। तो फिर आप अपना वादा याद कीजिए। कैसा वादा? आपने कहा था जिंदगी में एक बार मेरी बड़ी से बड़ी ख्वाहिश पूरी करेंगे। मर्जीना, अगर आप कॉल के सच्चे हैं तो मेरी ये ख्वाहिश पूरी कीजिए। अगर मैं जानता कि तुम ऐसी जलील ख्वाहिश करोगी तो मैं हरगिज तुम्हें कॉल न देता। तो क्या मैं यकीन कर लूं कि बगदाद का अमीर अली बिन हारून अपने कॉल का सच्चा नहीं? वो वादा करके उसे फिर भी सकता है? अर्ज की बात पत्थर की लकीर होती है। मैंने जो कॉल दिया है उसे जरूर पूरा करूंगा, लेकिन याद रखो ये नाच हमारी मोहब्बत की मौत होगा। आज से हमारा तुम्हारा कोई रिश्ता न रहेगा।
दिलदार से क्यों खफा हो दिलदार से। चोरों के सरदार से अपने माँ बाप का बदला ले रही हूँ। 40 चोरों के सरदार, ये क्या कह रही हो? आपकी आंखें धोखा खा सकती हैं। मर्जीना अपने माँ बाप के कातिल को पहचाने में धोखा नहीं खा सकती। मुझे अपनी कसम पूरी करनी। नहीं मर्जीना, नहीं, तुम्हें गलतफहमी हुई है। ये हमारे मौजूद मेहमान है। मालूम होता है इस लड़की का दिमाग खराब हो गया है।
वरना हमारी शान में ऐसी गुस्ताखी कभी नहीं करती। जरा देखो तो कैसे घूर घूर कर देख रही है, जैसे हम वाकई चोर या डाकू हैं। खूब हंसो, खूब तालियां बजाओ, अब तुम्हें मौत के पंजे से कोई नहीं बचा सकता। समझ गया, तू बिल्कुल ही पागल हो चुकी है, तेरा इलाज उन कुप्पों के तेल से ही हो सकता है। कोई है? कोई है? आया 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 हुजूर, आया, ये नीचे आ गया। ए, गुलाम हाजिर, अब तालियां नहीं ढोल बजाओ, नकारे पीटो, मगर मैंने तुम्हारे आदमियों को ऐसी जगह भेज दिया है जहां दुनिया की कोई आवाज नहीं जा सकती। क्या मतलब? मतलब ये कि मैंने तुम्हारे 40 चोरों को कुप्पों के साथ पहाड़ की चोटी से आग के दरिया में फेंक दिया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि तुमने सबको मार डाला है? सबको मार डाला, अब तुम्हारी बारी, क्या ख्याल है? बेवकूफ, ये तुमने क्या किया? हुजूर, इस मर्दूत को घेर कर मार डालिए, घर आए हुआ शिकार जाने ना पाए। खबरदार, जो आगे बढ़े, इसकी मौत और जिंदगी मेरे हाथ में है। पर फिर एक औरत की आड़ में पना ले रहा है। जंग और मोहब्बत में सब कुछ जायज है, दुश्मनों के बीच से अपनी जान बचाकर निकल जाना बुजदिली नहीं, बहादुरी है। रुक जाओ भाई, you
हसीना। बीबी जी, बीबी जी, हे बीबी जी, हे मालिक, मर्जीना बीबी को लेकर आ रहे हैं। अल्लाह तेरा शुक्र है, मैं आज ही इन दोनों की शादी कर देती हूँ। हे बीबी जी, हे लगे हाथों, हम दोनों का भी कुछ हो जाए तो अच्छा है। अरे वाह रे वाह, मान ना मान, मैं तेरा मेहमान, बड़ा आया मुझसे शादी करने वाला। बीबी जी, मैं इस मुफलिस से हरगिज शादी नहीं करने वाली। हाँ, और अगर मैं इसे लाखों का मालिक बना दूं तो? सोच लो, लाखों के मालिक। अरे तो इसमें सोचने की क्या बात है मालिक, चेक मांगनी पड़ गया। अच्छा अफलातुन, आज से तुम अमीर बन गए। मालिक बहुत बहुत शुक्रिया, मगर आप अपना इरादा तो नहीं बदलेंगे? नहीं बिल्कुल नहीं। तो हुजूर जरा ठहरिए, अब मुझे सोच लेने दीजिए। अबे इसमें सोचने की क्या बात है मालिक, मैं सोच रहा हूँ जब आपने मुझे अमीर बना दिया तो फिर क्यों ना मैं किसी अमीरजादी शहजादी से शादी करूँ। इस जमादारन को आप संभालिए, मैं चला अपनी दुल्हन ढूंढने। ओ अफलातून के बच्चे, मान जाओ ना। क्यों, आ गई ना सीधे रास्ते पे, जाओ हमने तुम्हें माफ किया है? चलो। हे मालिक, हे ठहरिए। तेरी मोहब्बत दिल से लगा ली, तेरी मोहब्बत। खुदा तुम दोनों को हमेशा खुश रखे। हमने नई दुनिया बसा ली, लगते हैं हरदम नाम तेरा है कलम मेरा। ख्वाबों में होता है तू जलवा नुमा।